बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों भारत में ही है। बीते ही दिनों पीसी अमेरिका से मुंबई लौटी थी। इन दिनों प्रियंका चोपड़ा अपनी आने वाली फिल्म द स्काई इज पिंक के प्रमोशन को लेकर काफी चर्चा में है। प्रियंका ने अब इस फिल्म का प्रमोशन करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कपिल शर्मा शो में इस बार प्रियंका चोपड़ा आई है। वो अपनी आने वाली फिल्म द स्काई इज पिंक के प्रमोशन को लेकर यहाँ आई थी। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने रेड पोल्का डॉट साड़ी पहनी थी। इस देसी अवतार को पति निक जॉन्स ने काफी पसंद किया और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी तस्वीर पोस्ट कर वाव लिखा। हाल ही में कपिल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें प्रियंका चोपड़ा उनसे एक सवाल पूछती नजर आ रही है। कपिल ने वाकई में काफी स्मार्टली इसका रिप्लाई किया। दरअसल प्रियंका पूछती है कि कपिल, अगर आपको एक तरफ 2 करोड़ रुपए मिले और दूसरी तरफ मालदीव में 6 हॉट लड़कियों के साथ हॉलीडे पर जाने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? कपिल ने जवाब में कहा, मैं 2 करोड़ रुपए चुनूंगा क्योंकि 60,000 रुपए में मैं मालदीव के इस पैकेज को बुक करा सकता हूँ। ये जवाब सुनने के बाद प्रियंका चोपड़ा काफी हंसी और दर्शकों को भी कपिल का ये जवाब काफी पसंद आया। वर्क फ्रंट की बात करें तो फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, जायरा वसीम, पठान अख्तर, रोहित शराफ भी लीड रोल में है। हाल ही में इस फिल्म की स्क्रीनिंग टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में की गई थी। इस फिल्म फेस्टिवल में द स्काई इज पिंक को स्क्रीनिंग के बाद काफी तारीफ भी मिली थी। ये फिल्म आदिति और नरेन की लव स्टोरी है। उनकी एक बेटी आयशा है जो एक बीमारी से जूझ रही है। आयशा 18 साल की उम्र में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए दुनिया को एक बड़ी सीख देती है। फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। यह गुरुग्राम की लड़की आयशा चौधरी की सच्ची कहानी है। द स्काई इज पिंक का निर्देशन सोनाली बोस ने किया है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और लोगों को काफी पसंद भी आया है।